अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरवाफ़ी के साथ होंगे। अच्छा जी, तो गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों ने जो है वो बहुत तहलका मचाया हुआ है, तो हमने इस मास्क को जो है गर्मियों में अप्लाई करना है और अपनी स्किन को सन टैनिंग से रिमूव कर देना है, बचाना है अपनी स्किन को सन टैनिंग से। और दूसरा ये कि ये आपकी स्किन को, ये मास्क जो है वो एक्सफोलिएट करेगा, आपकी इस डेड लेयर को रिमूव करेगा। इंग्रेडिएंट बहुत इसके इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसन लेना है। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर हुस्ने यूसुफ, ये ईज़िली आपको पंसार स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। इसका यूज़ जो है, एक तो ये आपको वाइटनिंग का इफेक्ट भी देगा और दूसरा ये एज अ स्क्रबिंग जो है ये आपके मास्क में जो है काम करेगा। ठंडा दूध आपने यूज़ करना है। इंग्रेडिएंट जो है वो इजीली आपको मिल जाएंगे आपके किचन से ही, और इनके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जब इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको वीक में है 2 से 3 बार लाजमी इसके रिजल्ट्स देखने के बाद इसको अप्लाई किया करेंगे। ओके जी, यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास था। दूध ठंडा ही लेना है आपने, ठीक है, और बेसन ऐड कर देना है। बेसन के बाद आपने ऐड करना है हुस्ने यूसुफ। बेसन का मिक्सिंग में आपको थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, बट जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत टेक्स्चर में आ जाएगा। ओके, जब आपने क्या करना है, आपको पता है कि गर्मियों में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाई होती है हमारी, तो आपने लाजमी है कि एलोवेरा जल को अपनी फ्रीज़र में लाजमी रखें, ठीक है। आपने 1 टेबलस्पून के करीब आपने एलोवेरा जल यूज़ करनी है। एक तो ये कि आपके जो मास्क का टेक्सचर है बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी स्किन को एक ठंडक का एहसास होगा, आपकी स्किन से ये हीट को जो है वो रिमूव कर देगी। ओके, इसको लगाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और इंशाल्लाह से आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ग्लोई हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। देखें ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था, आपको मैं अप्लाई करके दिखा देती, सो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथ पे ही, तो यहाँ पर लाइट्स की वजह से मे भी आपको अच्छे तरीके से नज़र ना आ रहा हो, बट इंशाल्लाह से जब आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने इसको जब अपने फेस पर अप्लाई करना है 5 मिनट के बाद आपने जो है यहाँ पर इसकी मसाज करनी है। मसाज के दौरान जो हमने यहाँ पर हुस्ने यूसुफ ऐड किया था उसके जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, एक तो वो वाइटनिंग इफेक्ट भी देंगे जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और दूसरा आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी डेड लेयर को रिमूव करेंगे, ठीक हो गया। बेसन जो है वो आपको वाइटनिंग का इफेक्ट देगा, और दूसरा ये कि आपके ऑयल को जो है, आपका एक्सेसिव ऑयल है उसको भी जो है वो कंट्रोल कर लेगा। देन जो ठंडा दूध है वो एज अ क्लिंजर जो है आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपकी स्किन को ठंडक का एहसास दिलाएगा। सभी इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छे और बेनिफिशियल हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें हमने हार्मफुल यूज़ नहीं किया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है रिमूव, और ज़रूर ट्राई करें। और किसी चीज़ की समझ ना आए तो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जो है वो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।